छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर जानकारी दी। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लैंड की मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अनुमति दी है। उनकी अनुमति के बाद अब भारत की संस्था को अनुमति का इंतजार है। इसके बाद वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपलब्ध हो जाना चाहिए। वही वैक्सीन को लेकर काफी समय से इंतजार था जो अब पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त रिसर्च भी आगे बढ़ रही है और कोरोना वायरस के रिसर्च में प्रगति हुई है, जिसमें यह पाया जा रहा है कि जो जेनेटिक संदेश से शरीर में वायरस का प्रेजेंस आ रहा था उसके लिए प्रोटीन्स को चिन्हांकित कर लिया गया है। 20 ऐसे करीब मॉलिक्यूल हैं जो रिसर्च में सामने आए हैं, जिनके आधार पर कोरोना के बढ़ने की संभावना को बहुत हद तक सीमित किया जा सकेगा। जिस बात का इंतजार था कि वैक्सीन की क्या स्थिति है, तो आप लोगों ने भी इस बात की जानकारी पा ली होगी कि ऑक्सफोर्ड वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इंग्लैंड की जो मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनने अनुमति दे दी है। तो उनकी अनुमति के बाद अब भारत के अपने देश की जो समकक्ष संस्था है उनकी अनुमति मिल जानी चाहिए और उसकी अनुमति के बाद में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो ये एक नए साल के शुरुआती दिनों में आने के पहले दिनों में एक अच्छी खबर आ गई है कि जिस बात का इंतजार था वो पूरा हुआ।